अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल का खुमार ही कुछ अलग है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के इस टूर्नामेंट में जब 32 टीमें टकराती हैं तो उसका जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। साथ ही चीयरलीडर्स का निराला अंदाज लोगों में और जोश भर देता है। लेकिन बाहर से यह दुनिया जितनी रंगीन और खूबसूरत नजर आती है, अंदर से वैसी नहीं है। चीयरलीडर्स को मैदान पर अपनी टीम को चीयर करते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द आप शायद ही जानते हों। आज हम आपको एनएफएल की चीयरलीडर्स की कुछ आपीति बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि एनएफएल चीयरलीडर्स को बहुत पैसा मिलता है तो ऐसा नहीं है। टैम्पा बे बुकानीर्स की पूर्व चीयरलीडर का कहना है कि एक मैच के लिए उन्हें सिर्फ $100 ही मिलते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रैक्टिस और अन्य टीम समारोह के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता था। जो टीमें प्रैक्टिस का पैसा नहीं देती उनमें बेंगल्स, रॉयल डेरेटीज, फ्लाइट क्रू और बुकानीर्स चीयरलीडर्स शामिल हैं। चीयरगर्ल्स को हर हफ्ते 6 सेकंड 15 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसका कोई पैसा नहीं मिलता। एनएफएल चीयरलीडर का कंपटीशन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन टेनेसी टाइटंस की चीयरलीडर इवनी थॉम्पसन का मानना है कि यह फुल टाइम जॉब नहीं है। एक फुल टाइम जॉब 40 घंटे की होती है, लेकिन चीयरलीडर्स के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें 3 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गेम के दिन परफॉर्म करना होता है और कॉर्पोरेट और चैरिटी इवेंट में भी जाना पड़ता है। अगर टॉम ब्रेडी अपनी जर्सी भूल जाए तो पैट्रियट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए दूसरी जर्सी का इंतजाम कर देगा बिना कोई पैसा लिए। लेकिन अगर कोई चीयरलीडर पॉम-पॉम लाना भूल जाती है तो उस पर $10 तक का फाइन लगाया जाता है। कई बार उन पर योगा प्रैक्टिस के दौरान गलत चटाई लाने पर भी फाइन लगाया जाता है। एनएफएल चीयरलीडर्स को पूरे सीजन के दौरान वजन पर कंट्रोल रखना होता है। एक चीयरलीडर के मुताबिक सीजन से पहले वजन चेक होता है और अगर यह बड़ा हुआ मिलता है तो उन्हें बेंच पर बैठा दिया जाता है। इसके अलावा उनके शरीर के हर हिस्से की जांच भी होती है। गोल्फ की गाड़ी में कुछ ही सीटें होती हैं। LSIU के मुताबिक कई बार इसमें 4 मर्द बैठे होते थे, इसलिए चीयरलीडर्स को उनकी गोद में बैठकर उनके साथ जाना होता था। यह यकीनन किसी भी महिला के लिए आपत्तिजनक होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।